गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बंटी सर आज आपके लिए मैं अपने वर्कशॉप से कुछ टूल लेकर आया हूं जिसका मैं परिचय कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं पहला टूल्स के साथ शुरुआत करता हूं। आज का मेरा जो पहला टूल्स है ये आपका स्केल, ये हमारा जो है स्टील रूल है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, विद्युतकार वाले लोग, फीटर वाले भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले लोग, इसके वाइंडिंग पेपर हो या तार का जॉइंट बनाना हो उस समय हम लोग इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टील का स्केल इसलिए इस्तेमाल करते हैं यदि जिसे हम पटक दें, गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो इसका ये नुकसान नहीं होता है। यदि हम ये कशकड़ा का आता है उसका हम इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत सा नुकसान हो सकता है, उसमें जो लिखा हुआ डिजिट है वो भी कुछ दिन में खराब हो जाता है। ये स्टील रूल में ये समस्या नहीं होता। ठीक है, तो मैं फिर अपने दूसरे इक्विपमेंट्स के साथ चलता हूँ। ठीक है, दूसरे इक्विपमेंट्स मेरा है ये आपका फीता, मापक फीता, ये हमारा इंची टेप का काम करता है। ये मेरा देखिए इसमें लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको 15 मीटर। ठीक है, ये मेरा इसका लेंथ होता है 15 मीटर, इसकी लंबाई है। देखिए इसको हम खोलते जाएंगे ये मेरा अलग अलग साइज का निकलते जाएगा। 1 फीट हुआ ये, देखिए दिख रहा होगा आपको, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, फिर इस तरह करके मेरा 15 मीटर तक ये आता है। ठीक है, 15 मीटर का मेरा ये, अलग अलग साइज में भी अवेलेबल है बट हमारे कॉलेज में 15 मीटर का है जो हम प्रत्येक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको आज दिखाया। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है, हम चल रहे हैं आपका पेचकस के साथ। ठीक है, देखिएगा ये मैं हम डिफरेंट टाइप्स का पेचकस लेकर आया हूं। मैं डिफरेंट टाइप्स का पेचकस, देखिए ये भी आपका एक तरह का पेचकस है। ठीक है, ये आपका देखिए माइनस टाइप, जो हमने पढ़ाया हुआ पिछले कभी क्लास में, ये माइनस टाइप, इसमें देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस टाइप का पेचकस है। ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये इसका साइज होता है आपका 100 mm, ये अलग अलग साइज में अवेलेबल है। ये 100 mm का है, ये 150 mm का है। ठीक है, ये हमारा 200 mm का है। इस भाग देखिए बड़े वाले में हम दिखा रहे हैं, इस भाग का नाम क्या होता है, टिप या बिट भी लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हार्ड और टेम्पर होता है, ये हार्ड और टेम्पर होता है, इसको बोलते हैं सेंक, इसको बोलते हैं हम लोग हैंडल। ठीक है, इसी तरह सेम इसमें भी होगा। ठीक है, ये सेम चीज इसमें भी, टिप, सेंक, हैंडल, 3 डिवाइड में इसे बांटा गया है। इसका भी वही चीज है, टिप, सेंक, हैंडल। ठीक है, इतनी भाग, इसका साइज जो होता है हम लोग याद रखें, साइज इंपॉर्टेंट है। इसका साइज यहां से लेके यहां तक की हम लोग मापते हैं। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट टूल में चलता हूं मैं, इसके बाद नेक्स्ट टूल में अपना चलता हूं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टूल है इलेक्ट्रिकल का इम्पोर्टेंट टूल में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का इम्पोर्टेंट टूल, देखिए मेरा ये जो है मेरा, इसको बोलते हैं हम लोग फेज टेस्टर। ये आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घरों में भी होगा फेज टेस्टर। ये आपका 500 वोल्ट का है। ठीक है, ये 500 वोल्ट का विद्युत सप्लाई को, फेज को केवल टेस्ट करता है। ठीक है, ये सिर्फ फेज को टेस्ट करेगा, न्यूट्रल को ये टेस्ट नहीं करेगा कि न्यूट्रल है। इसमें यदि प्लग में इन करेंगे, यदि फेज होगा तो ये मेरा इन हो जाएगा, इसको टच करेंगे तो, इसको टच नहीं करेंगे तो ये मेरा नहीं जलेगा। ठीक है, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है ये मेरा है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये विद्युतकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये विद्युतकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आप इसके बिना आप इलेक्ट्रिशियन अधूरा कहलाते हैं। ठीक है, इसके देखिए बहुत से भाग होते हैं, इसके हैंडल कहते हैं, ये कटिंग एज है, ये आपका पाइप जाओ है। ठीक है, ये आपका फ्लैट जाओ है, इससे हम लोग किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। ये पतला भी चीज, प्लेन चीज हो, स्क्वायर हो, इसे यहां से पकड़ लेंगे, गोलाकार वस्तु को यहां से पकड़ेंगे, इससे वायर को काटने के लिए काम में आता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जाता है। ये 200 से 250 150 mm भी साइज में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टूल आपका ये साइड कटिंग प्लायर, ये मेरा क्या है, साइड कटिंग प्लायर है। इससे हम मोटे मोटे तार को, GI वायर को भी हम लोग काटते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ कटिंग एज होता है, ये भी कॉम्बिनेशन प्लायर के जैसा है, केवल ये कटिंग एज का काम करता है। ठीक है, इसके बाद का मेरा ये टूल है, इसे हम लोग पिंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पिंसर के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअली बड़ी लोग सबसे अधिक रखते हैं, या फिर मोची जो जूता का सिलाई करता है उसके पास भी अक्सर देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग भी इसे रखते हैं। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़े कि हम लोग का कोई काटी बैंड हो जाए अपना बोर्ड को वायरिंग करते समय, या कंड्यूट वायरिंग जो पहले होते थे उसमें भी कुछ समस्या ऐसा आ जाए तो उससे हम लोग इसे कील से निकाल सकते हैं, ये पिंसर। ठीक है, इसके बाद मैं नेट टूल के साथ चलता हूं। ये मेरा फिर कुछ टूल, ये देखिए इलेक्ट्रिशियन कटर, इससे हम लोग वायर को काटते हैं और छीलने का भी काम करते हैं। इसको हम दाग लगा के इसे हम लोग तार को छील भी लेते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग एक्सपीरियंस होने के बाद करते हैं। ठीक है, एक्चुअली तार छीलने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मेरा नाइफ का एज है, इसके सारे हम लोग नाइफ का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिशियन
वायर को हम लोग इंसुलेशन हटाएंगे इलेक्ट्रिशियन नैप के सहारे। जब मुझे एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम इस कटर से भी हम लोग हटा सकते हैं और मैं तार नहीं कटेगा। लेकिन क्या होता है जब हम लोग नए नए व्यक्ति जब तार काटना चालू करते हैं ना तो तार काट काट के घटा देंगे साइज है उसका, ठीक है। इस कारण से हम लोग नाइफ से छीलेंगे आसानी से, 20 से 60 डिग्री पे मेरा तार आसानी से छिलाएगा और तार में किसी प्रकार का कट नहीं आएगा। 90 डिग्री पे हम नहीं छीलेंगे कदापि, ये सब नोट रखिएगा। देखिए मेरा ये मल्टीपल है, इसमें हम लोग स्क्रू का कस भी सकते हैं, ठीक है। प्लस टाइप का जो स्क्रू रहेगा इसे हम लोग कस भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दोनों मेरा हो गया। इसके बाद देखिए मेरा ये पोकर है, ये क्या है पोकर, क्या होता है एक्चुअली हम लोग ड्रिल कर लेते हैं या फिर सेंटर पंच के सारे सेंटर मार लेते हैं। ये मेरा सेंटर पंच है, देखिए टूल मैं दिखा रहा हूँ, ये सेंटर पंच, सेंटर पंच तो सेंटर कर लिए, ड्रिल बिट से ड्रिल भी कर लिए। और एक्चुअली क्या होता है कुछ कभी ऐसा होता है हॉल को बढ़ाना हो तो हम लोग इस पोकर के सहारे उसको हॉल को हम लोग बढ़ा सकते हैं आसानी से, कोई समस्या मेरा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है इसे बोलते हैं जिमलेट, इसके सहारे भी हम लोग हॉल कर सकते हैं, पंच से पंच कर लेंगे, पंच हो गया। अब क्या करेंगे इससे हम लोग घुमा घुमा के इसे हैंडल, इसमें लकड़ी का हैंडल यहाँ पे हम लोग फिट करते हैं, उसको घुमाते जाएंगे वो ड्रिल होते चला जाएगा, इसमें गुना बना हुआ थ्रेड का बना हुआ, ठीक है। इस कारण से ये मेरा इसका भी काम हो गया। इसके बाद मेरे पास कुछ टूल्स है, इसका भी मैं परिचय कराता हूँ आपको। ये देखिए ये आपका विद्युतकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन ये पंखा वाइंडिंग या किसी मोटर का बैरिंग को निकालने के दृष्टिकोण से, देखिए इसमें तीन टांग है, तीन टांग होने के वजह से इसका नाम पुली पुलर है, इसका नाम पुली पुलर है, तीन टांग होने के वजह से इसका नाम मेरा पुली पुलर है। ये देखिए बोथ साइड इन साइड और आउट साइड में भी काम करते हैं, हम लोग चेंज कर, अभी देखिए इन साइड निकालने का काम कर रहा, इससे क्या यदि हम उल्टा कर देंगे तो ये आउट साइड भी निकालेगा, इसके इसको हमको घुमा के खोल उलट के लगा देंगे आउट साइड बन जाएगा। अभी देखिए इस तरह रहेगा तो नीचे से मेरा जब काम करेगा इस टाइप का करेगा तो आउट साइड निकलेगा, अभी इन साइड निकल रहा है, देखिए नीचे तरफ है तो इन साइड निकलेगा, नीचे उलट देंगे इस जो निडिल को हम इधर से लगा देंगे तो मेरा आउट साइड का भी काम करेगा। ये मेरा तीन टांगे वाला पुली पुलर है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरा ये स्पैनर है, ये मेरा डबल इंडेड स्पैनर है, ये मेरा ओपन है क्लोज है, ये देखिए राउंड है, ये क्या हो गया किसी नट को हम लोग खोलने का काम करते हैं, रिंग स्पैनर के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, रिंग स्पैनर के नाम से जानते हैं। ये भी मेरा स्पैनर है, ये ओपन इंडेड स्पैनर है, डबल है, ठीक है। ये ओपन इंडेड स्पैनर ये खुला हुआ है, इसका मुंह बंद होने के कारण इसका नाम हमारा रिंग स्पैनर पड़ा, ठीक है। ये खुला हुआ है इसलिए मेरा ओपन इंडेड स्पैनर है, ठीक है। ये मेरा फाइल है, ये फाइल यानी कि जिससे कि हम लोग किसी वस्तु को कटिंग टूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये मेरा राउंड फाइल है, ये मेरा राउंड फाइल है, हाफ राउंड, देखिए क्योंकि इसमें हाफ ये राउंड जो है फुल नहीं है, तो ये चीज इधर भी होता और इस साइड भी होता, पूरा राउंड होता तो इसे फुल राउंड करते हैं। आप यहां से देख के पहचान सकते हैं कि मेरा ये हाफ राउंड है, चांद के आकार में बना हुआ ये हाफ राउंड है मेरा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं एक चीज और दिखा रहा हूं आपको, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में दिख रहा होगा डी शोल्डर गन, ये मेरा सोल्डिंग गन। कभी कभी क्या होता है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के काम का सोल्डिंग किया, सोल्डिंग गलत हो गया, सोल्डिंग यदि गलत हो गया तो हम सोल्डिंग को हटाना होता है, तो सोल्डिंग को हटाने के लिए डी शोल्डर गन से हम लोग सोल्डिंग को हटा पाते हैं, डी शोल्डर गन से हम लोग सोल्डिंग को हटा पाते हैं। सोल्डिंग किए, अब सोल्डिंग को उठाना है, इसे पंच करके वहां ले जाएंगे, मारेंगे इस तरह, अब क्या होगा इसका सोल्डिंग जो है यहाँ पे चलाएगा, हम फिर बाहर में ऐसे करके झाड़ देंगे, मेरा सोल्डिंग यहां से हट जाएगा। ये मेरा डी शोल्डर गन है, ये मेरा शोल्डर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं एक और चीज को दिखा रहा हूं, इसका नाम मेरा है मल्टी मीटर। इससे क्या होता है बहुत सा वोल्टेज को मापना, करंट को मापना, किसी भी चीज को हम लोग माप सकते हैं इससे हम लोग सेट कर करके, ठीक है, इसे हम लोग सेट करके नाप सकते हैं। इसका दो वायर हो गया, ये मेरा क्या है मल्टी मीटर। एक चीज मैं यार दिखा रहा हूं आपको, लास्ट चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है, ये मेगर मीटर है। क्या होता है एक्चुअली हम लोग वायरिंग तो करते हैं, वायरिंग को टेस्ट करने के लिए किसी चीज को आवश्यकता होती है तो मेगर के सारे भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं या फिर हम लोग मल्टीमीटर के सारे या फिर सीरीज टेस्ट लैंप के सारे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। मैगर क्या होता है अंडरग्राउंड वायरिंग में भी हम लोग इसे चेक कर पाते हैं आसानी से, कोई समस्या लंबे दूरी तक का भी वायरिंग है तो ये आसानी से हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। ये मेरा मैगर मीटर है। आशा करता हूं बच्चों मेरा ये वीडियो आज का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से लेकर आऊंगा। धन्यवाद।